हम आज एक जदीद दौर में जी रहे हैं जहां जदीद टेक्नोलॉजी ने हमारा हर काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 साल पहले दुनिया कैसी होती थी? वो दौर हमारे आज के दौर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। हमारी दुनिया की आबादी आज तकरीबन 8 अरब है, लेकिन आज से 100 साल पहले दुनिया की आबादी सिर्फ 2 अरब के आसपास हुआ करती थी। उस वक़्त एसी, फैन और बल्ब वगैरह की इजाद हो चुकी थी। एसी 1902 में ईजाद किया गया था, लेकिन वो एसी आज के एसी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। बल्ब की ईजाद 1879 में और फैन की ईजाद 1882 में की गई थी, लेकिन इन सब चीज़ों को उस वक़्त अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उस वक़्त बिजली का मसला भी बहुत ज़्यादा था और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कुछ घरों में ही होती थी। लोग उस वक़्त गैस लैंप लाइट से गुजारा किया करते थे। 100 साल पहले टेलीफोन की ईजाद भी हो चुकी थी। टेलीफोन को 1876 में ग्राम बेल ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बनाया था। दौरे हाजिर में एक बहुत बुरी वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस, जिसे जानलेवा बताया जा रहा है। और 100 साल पहले भी 1918 में कुछ इसी तरह की बहुत खतरनाक वबा फैली थी, जिसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि इस वायरस ने दुनिया की 27% आबादी को अफेक्ट किया था और तकरीबन 2 करोड़ से 5 करोड़ तक लोग मारे गए थे। उस वक़्त भी इस वायरस की वजह से लोग मास्क पहना करते थे। आज हम मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस वक़्त इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया रेडियो था। लोग रेडियो का इस्तेमाल 100 साल पहले बहुत ज़्यादा करते थे। उस वक़्त कैमरा ईजाद हो चुका था और इस्तेमाल भी किया जाता था। दुनिया के पहले कैमरे में एक तस्वीर खींचने के लिए 8 घंटे तक का वक्त लग जाता था। अगर बात करें 100 साल पहले की ट्रांसपोर्टेशन की, तो उस वक़्त घोड़े और ट्रेन्स वगैरह पर सबसे ज़्यादा सफ़र किया जाता था। 100 साल पहले गाड़ी की ईजाद भी हो चुकी थी। दुनिया की पहली गाड़ी बेंज मोटर कार थी। इस कार को 1886 में कार्ल बेंज ने बनाया था, लेकिन लोग इस गाड़ी को उस वक़्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर 1908 में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मॉडल टी कार ईजाद की और ये कार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। लोगों ने इस कार को बहुत ज़्यादा ख़रीदा। 100 साल पहले हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा सिंपल थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप तक हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।